दिस देवियों सज्जनो इज द न्यू ह्यूंडई ग्रैंड आई 10 न्यूज। अब इस न्यू ह्यूंडई ग्रैंड आई 10 न्यूज में क्या न्यू है, क्या पुराना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में इन 5 पॉइंट्स में। सो द फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, द प्राइसिंग। तो नई ह्यूंडई ग्रैंड आई 10 न्यूज को टोटल 10 वेरियंट्स में लॉन्च किया गया है, पेट्रोल में और डीजल में। बाकी जो पुराना वाला मॉडल था उसे भी रखा गया है, 1.2 लीटर जो रेगुलर मॉडल था सेकंड जनरेशन वाला उसे भी रखा गया है, उसे सिर्फ मैग्ना और स्पोर्ट्स जो वेरिएंट है उसमें बेचा जाएगा। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है वो सिर्फ ह्यूंडई को पता है। बाकी इस पर्टिकुलर मॉडल की अगर बात करेंगे तो 4.99 लाख से शुरू होता है पेट्रोल वर्जन अगर हम मैनुअल ले रहे हैं, और 7.13 लाख इसका टॉप इन वेरियंट जो है एस्टा आपको मिलने वाला है। बाकी दो आपको AMT वर्जन्स पेट्रोल में अवेलेबल करवाए जाएंगे, एक है मैग्ना 6.37 लाख में और एक है स्पोर्ट्स जो कि 6.89 लाख के आसपास, मतलब 6.90 लाख के आसपास आपको मिलने वाला है। बाकी जो डीजल वर्जन है उसे हर ट्रिम लेवल पे अवेलेबल नहीं करवाया गया है, जैसे कि आप बेस में डीजल वर्जन नहीं ले सकते हैं, आपको स्टार्ट करना होगा मैग्ना से 6.70 लाख में आपको वो वाला वर्जन मिलेगा। और AMT जो है वो स्पोर्ट्स में अवेलेबल करवाया गया है, मतलब स्पोर्ट्स में आपके लिए मैनुअल ट्रांसमिशन अवेलेबल नहीं करवाया गया है, और उसकी प्राइस रखी गई है 7.85 लाख। और अगर आप टॉप इन डीजल लेना चाहते हैं तो आप एस्टा ले सकते हैं, 7.99 लाख उसकी एक्सशोरूम प्राइस रखी गई है। तो ये है नई ग्रैंड आई 10 न्यूज की प्राइसिंग, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ी और कॉम्पिटेटिव रखी जा सकती थी। 20 से 25 हज़ार अगर हर वेरियंट पर थोड़ा सा और कम इसे रखा जाता तो मज़ा आ जाता। आपको क्या लगता है हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए। मूविंग ऑन टू दी पॉइंट नंबर 2, डिज़ाइन। क्या कुछ बदलाव किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और क्या डिमेंशन है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं फ्रंट डिज़ाइन से। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पुराने वाले मॉडल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये काफ़ी कुछ उसके जैसे लगती है, हालांकि कुछ एक स्मार्ट चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि ग्रिल जो है अब वो ज़्यादा ब्रॉड लगती है, ब्लैक कलर में दी गई है, कैस्केडिंग ग्रिल ही है, ह्यूंडई की जो सिग्नेचर ग्रिल होती है वो थोड़ी और ब्रॉड लग रही है, और यहाँ पे LED DRLs ऐड करने की वजह से इसे थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देखने में हमें नज़र आ रहा है। उसके अलावा अगर आप हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो हेडलैम्प्स आपको प्रोजेक्टर्स ऑफर किए गए हैं, और जो फॉग लैम्प्स हैं वो भी आपको सेगमेंट में पहली बार प्रोजेक्टिव फॉग लैम्प्स मिलेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल फ्रंट काफ़ी डोमिनेटिंग सा लग रहा है, स्पेशली इस ब्लैक ग्रिल की वजह से। बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल से अगर आप इस गाड़ी को देखते हैं या फिर प्रीवियस जनरेशन ग्रैंड आई 10 को देखते हैं जो कि ऑफकोर्स ऑन सेल होगी, तो दोनों में सिलोवेट अगर आप देखेंगे तो सिमिलर लग रहा है, बहुत कुछ बदलाव आपको नहीं लग रहा है। हालांकि कुछ एक चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो अलग है। डिमेंशनली अगर आप बात करेंगे लंबाई इस गाड़ी की तो वो 40 mm ज़्यादा है पुराने वाले मॉडल से अगर आप कंपेयर करें, तो वो आपको थोड़ा बहुत नज़र यहाँ पे आ रहा होगा। बाकी क्रोम डोर हैंडल्स आपके लिए दिए गए हैं, और ये जो सेक्शन है सी पिलर, यहाँ पर GI10 की ब्रांडिंग दी गई है, यह इसको थोड़ा सा अलग किया गया है। बाकी जैसा कि मैंने कहा सिलुएट काफ़ी कुछ सिमिलर लग रहा है, बट साइड प्रोफाइल जहाँ सिमिलर लग रहा है वहाँ पर रेयर प्रोफाइल जो है इस गाड़ी का वो काफ़ी कुछ अलग नज़र आ रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि गाड़ी का रियर प्रोफाइल काफ़ी कुछ अलग लग रहा है, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो ये सारे जो पैनल्स हैं वो कम्प्लीटली अलग लग रहे हैं, इनफैक्ट जो शेप आ रहा है इस गाड़ी का यहाँ से स्पेसिफिकली, ये जो आता है शेप कर्वी, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। यहाँ पे आपको एक प्रोमिनेंट सी कैरेक्टर टाइप लाइन दी गई है जो कि इसे अच्छा इफेक्ट दे रही है। बाकी न्यूज की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपके लिए क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, और जो टेल लैम्प है उसकी डिज़ाइन कम्प्लीटली अलग की गई है। काफ़ी कुछ ये मुझे देखने में थोड़ी बहुत टियागो की याद दिलाती है, बट इस गाड़ी के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी अलग लग रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो है इसका बम्पर, यहाँ पे स्किड प्लेट आपको दी गई है और ये रेड कलर है, तो रेड और ब्लैक जो है इसे डुअल टोन टाइप इफेक्ट दे रहे हैं जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। बाकी जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर आपके लिए रियर पार्किंग कैमरा भी दिया गया है, और सेंसर जो हैं वो भी आपको दिए गए हैं, 2 सेंसर यहाँ पर लगाए गए हैं। अब जब रियर में हैं ही तो मैं आपको बूट स्पेस भी बता देता हूँ। गाड़ी का बूट स्पेस जो है वो 260 लीटर्स का है, पुराने वाले मॉडल से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बिल्कुल उतना ही है। और एक स्मॉल कैपेसिटी गाड़ी के हिसाब से देखें, मतलब जो एंट्री लेवल गाड़ी है उसके हिसाब से आप 2 बैग्स मैक्सिमम या 3 बैग्स मैक्सिमम इसमें रख सकते हैं अगर आप बड़े बैग्स रख रहे हैं। तो गाड़ी की लंबाई के साथ साथ गाड़ी की अगर आप विड्थ की बात करेंगे तो वो भी ज़्यादा है, लगभग 20 mm है। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, बट बहुत कुछ फ़र्क पड़ जाता है अगर आप इंटीरियर की बात करें। उसके अलावा व्हील बेस जो है गाड़ी का वो 25 mm ज़्यादा है, और हाइट जो है हालांकि वो बराबर है पुराने वाले मॉडल के ही। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, और क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डिमेंशनली ये पहली वाली गाड़ी से थोड़ी बड़ी है, तो क्या वाकई में ऐसा है? तो अगर आप फ्रंट सीट्स की स्पेसिफिकली अगर आप बात करेंगे, इनफैक्ट ये जो पूरा सीट है वो एक सिंगल यूनिट टाइप लग रही है, जैसा हमने सैंट्रो में देखा था। इंटीग्रेटेड आपको
हेडरेस्ट भी मिलता है, एडजस्टेबल नहीं है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, पर ओवरऑल कंफर्ट के मामले में ठीक है। तो ये तो था फ्रंट सीट्स का हाल। अगर आप क्वालिटी लेवल्स की बात करें तो क्वालिटी लेवल्स पुराने वाले मॉडल से कंपेयर करेंगे तो वो भी अपने आप में एक बेंचमार्क था उस पर्टिकुलर सेगमेंट में। यहाँ पर भी वो देखने को मिल रहा है, ठीक ठाक क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर ग्लॉसी प्लास्टिक का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर जो प्लास्टिक यूज़ हुआ है हार्ड प्लास्टिक है, बट अच्छी फिनिश दी हुई है, अच्छा लग रहा है देखने में। और बाकी सब भी जगह जहाँ पर भी प्लास्टिक यूज़ हुआ है वो अच्छी ग्रेड का लग रहा है, एटलीस्ट एक बार को तो देखने में ऐसा ही लग रहा है। उसके अलावा ये जो एक सेक्शन आपको दिया गया है जिसमें कि इंफोटेनमेंट सिस्टम को फिट किया गया है और ये यहाँ पे मर्ज हो जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, ये एक यूनिट लग रही है, खड़ी हुई यूनिट लग रही है, आप बोल सकते हैं इसको फ्लोटिंग टाइप। अब वो कितनी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है आप डिसाइड कीजिए। मुझे बहुत सही ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चलाते वक्त आपको हर्डल तो नहीं होगा क्योंकि ईजिली मैं उसके आगे देख पा रहा हूँ, तो कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी जो स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो दोनों को सपोर्ट करता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वायरलेस चार्जिंग दी गई है, उसके साथ में एक यहाँ पे ऊपर की तरफ फास्ट चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट आपके लिए दिया गया है, एक रेगुलर यूएसबी पोर्ट और एक और फास्ट चार्जिंग का दिया गया है। यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट किया गया है जो कि काफ़ी यूजेबल सा लग रहा है। अगर आप चाहें तो बॉटल यहाँ पर रख सकते हैं या फिर फ़ोन रख सकते हैं, कोई भी सामान जो ज़्यादा हिले डुले नहीं। ग्लव बॉक्स जो है वो भी अच्छी खासी साइज़ का है और कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको दिया गया है, मतलब उसमें वेंट्स फिट किए गए हैं, तो आपको अपनी बेवरेजेस को अगर ठंडा रखना हो तो वो आप कर सकते हैं। और जब हम स्पेस की बात करें तो आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स दिए गए हैं, एक बड़ा है बड़ी बॉटल आ सकती है, एक छोटा है छोटी बॉटल आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दिया गया है जहाँ पर आप कुछ सामान रख सकते हैं, की आपकी रख सकते हैं। बाकी सभी दरवाज़ों में आपको एक एक लीटर की बॉटल्स रखने की जगह दी गई है, तो उसके लिहाज से ठीक है, काफी प्रैक्टिकल यहाँ पे नजर आ रही है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील को लेदर से रैप किया गया है, हालांकि जो साइज है वो थोड़ी छोटी होती तो और बेहतर होता, थोड़ी बड़ी लग रही है मुझे मेरी पसंद के हिसाब से। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे बटन दिए गए हैं, मोड का बटन दिया गया है और वॉइस कमांड का दिया गया है, वॉल्यूम कंट्रोल करने के और फोन उठाने के और काटने के बटन दिए गए हैं, और आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी अगर एक बढ़िया पोजीशन में आपको आना है, सीटिंग पोजीशन में आना है, तो जो ORVM से उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली यहाँ पे बटन्स दिए गए हैं और जो सीट है उसे हाइट वाइज भी आप एडजस्ट कर सकते हैं और ऑफ कोर्स आगे पीछे तो कर ही सकते हैं। अब मैं हूँ इस गाड़ी की रियर सीट में और डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका व्हील बेस पुराने वाले से ज़्यादा बड़ा है, 25 mm बड़ा है, और इसकी लंबाई जो है वो भी पहले से थोड़ी सी बड़ी है, पर यहाँ पे स्पेस जो है वो उतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। हालांकि जो सीट है वो थोड़ी पीछे की तरफ है, पर अगर कोई लंबा पैसेंजर बैठता है तो उसके लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि थाई सपोर्ट जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी आपको इतना बेहतरीन ऑफर करती है। अच्छे से आपको थाई सपोर्ट मिल रहा है, आप कई यूजली गाड़ियों में आपने देखा होगा थोड़ी फ्लैट सीट होती है जिसकी वजह से थाई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, यहाँ पर थोड़ा सा उठाया गया है। अगर आप हेडरूम की भी बात करेंगे तो हेडरूम मेरी जैसी अगर आपकी हाइट है, एवरेज इंडियन हाइट 5'6" 5'7" तो आपको परेशानी नहीं होगी, बट अगर आपकी हाइट ज़्यादा है 6 फुट या हो उससे ज़्यादा, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी हो। यहाँ पर उतना ज़्यादा स्पेस आपके लिए नहीं है, एडजस्टेबल आपको यहाँ पे हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि फ्रंट में नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट आपको नहीं दिया गया है, तो तीन लोगों को सोचकर गाड़ी बनाई गई कि तीन लोग पीछे बैठेंगे और दो लोग आगे बैठेंगे, तो उस हिसाब से ठीक है। रियर इवेंट भी आपको यहाँ पे दिया गया है, अब कैसा परफॉर्म करता है वो हम इसके रियल लाइफ रिव्यू या फिर जब हम इसका रिव्यू करेंगे तब आपको बताएंगे। तो ओवरऑल आई थिंक एक छोटी फैमिली के हिसाब से स्पेस इसमें है। इंटीरियर के बाद में बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर, जो कि है इंजन ऑप्शंस। तो आपको Hyundai Grand I10 के साथ में दो इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, ऑफ कोर्स एक है पेट्रोल और एक है डीजल। जो पेट्रोल है वो वही 1.2 लीटर का इंजन है, हालांकि BS6 कंप्लायंट इसे बनाया गया है और ये लगभग 83 bhp की मैक्सिमम पावर निकालता है और लगभग 113 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है। और इसके साथ में आपको AMT और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों मिलेंगे। बाकी परफॉर्मेंस में कैसे हम उसके बारे में तब बात करेंगे जब हम इस गाड़ी को चलाएंगे, विच इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। और नई ग्रैंड आई10 के साथ में आपको डीजल इंजन भी मिलता है, जो पुरानी वाली थी उसके साथ में मिलता था, बट उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब इसके साथ में अवेलेबल करवाया गया है। हालांकि ये BS4 ही है, BS6 नहीं है, BS6 अभी तक सिर्फ पेट्रोल वर्जन है, इसका BS6 आएगा नहीं आएगा उसके बारे में अभी तक हमें क्लैरिटी नहीं है। ये इंजन 74 bhp की मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है और 190 न्यूटन मीटर्स का मैक्सिमम टॉर्क निकालता है। अच्छी बात यह है कि इसके साथ में आपको AMT भी मिलता है, मतलब पेट्रोल लीजिए या डीजल लीजिए, AMT और मैनुअल ट्रांसमिशन दोनों के आपको ऑप्शंस अवेलेबल करवाए गए हैं। एंड नाउ दी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो है फ्यूल एफिशिएंसी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का क्लेम है कि इसका जो पेट्रोल वर्जन है वो 20.7 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है और जो AMT है वो 20.5 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है। इनमें दोनों में फ़र्क क्यों है हमें नहीं पता है, रियल वर्ल्ड में क्या आपको देगी ये भी नहीं पता है, तो जब हम टेस्ट करेंगे तब उसके बारे में बताएंगे। जो डीजल वर्जन है वो 26 kmpl से ज़्यादा की फ्यूल एफिशिएंसी ऑफर करता है, अगेन जब टेस्ट करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, बट ये ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हैं। आई होप इस वीडियो में मैं आपके जो बेसिक सवाल हैं इस गाड़ी को लेकर
उनको बता पाया हूँ, एड्रेस कर पाया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।